रुद्राक्ष माला हम पहनते हैं, देखो बापूजी भी पहनते हैं, तो ये रुद्राक्ष माला के बहुत फायदे हैं। जो अपने ऊपर की जेब में मोबाइल रखते हैं उनका हार्ट की तकलीफ हो सकती है, इसलिए ऊपर की जेब में जो मोबाइल रखते हैं वो रखना बंद करेंगे। हैं रुद्राक्ष माला के फायदे, तनाव, उक्त रक्तचाप यानी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, मानसिक रोग, सिर दर्द, विषाद, अनिद्रा, इसमें रुद्राक्ष की माला विशेष उपयोगी है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हो सकती, और उस माला से यदि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर सोमवार को किया करे तो इसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। तुलसी की माला के क्या फायदे हैं? तुलसी की माला व्यक्ति की ऑरा को शुद्ध करती है, सात्विकता का पोषण करती है, मन को एकाग्र करती है। तुलसी का स्पर्श करके थके निराश व्यक्ति के मन को नव चेतना प्रदान हो सकती है। भगवान कहते हैं जो तुलसी माला धारण करे वो भले अपवित्र हो, अशुद्ध हो, लेकिन वो मुझी को प्राप्त होता है, यमदूत उसे छू नहीं सकते। द्वारका क्षेत्र में निवास करने वाले को जो पुण्य मिलता है वो पुण्य तुलसी माला धारण करने वाले को मिलता है। कलयुग में धार्मिक कर्म कांड, श्राद्ध कर्म, पितृ पूजन, इसमें तुलसी की माला धारण करने वाले को करोड़ गुना फल मिलता है। स्फटिक की माला का क्या फायदा है? कि शरीर की ऊर्जा और विद्युत शक्ति का ह्रास रोककर उसे सहस्त्रसार की ओर ऊर्ध्वगामी करती है, मन की शुद्धि, विचार की शुद्धि। और अगर दीपावली के आसपास उस माला से जप किया जाए तो विशेष फल होता है। देवी भागवत में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी वृद्धि होती है। मंत्र क्या है लिखना हो लिखो, नहीं तो याद रखो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम बोलो, श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र के द्वारा 108 आहुतियां, कमल गत्ते के जो बीज होते हैं उसको घी में डुबोकर और आहुति देने से घर में बरकत आती है।